हेलो एंड वेलकम टू ऑल एग्जाम। तो आज हम बात करेंगे लूहरी चरण एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना की। ये जो लूहरी चरण एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है ये अभी न्यूज़ में है, और न्यूज़ में क्यों है ये भी हम बात करेंगे। देखिए, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सतलुज नदी पर जो है वो स्थित 210 मेगावाट की लूहरी चरण एक परियोजना को दिए 1810.56 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। तो इसीलिए ये जो था न्यूज़ में है लूहरी चरण एक परियोजना। यहाँ से इस पैराग्राफ से आप क्या याद रखेंगे, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी 210 मेगावाट है। इसके ऊपर कितनी लागत आएगी, कितना निवेश इसके ऊपर किया जाएगा? तो 1810.56 करोड़ रुपया जो है इतनी की मंजूरी इसके लिए दी गई है। ये सब चीज़ें आपने इस पैराग्राफ से याद रखी। अब ये परियोजना है कहाँ, तो जो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू ज़िले में स्थित है। ये कहाँ पर है, शिमला और कुल्लू ज़िले के मध्य में स्थित है, मतलब एक बाउंड्री लाइन यहाँ पर बनती है शिमला और कुल्लू के बीच में, वहाँ पर जाकर कहीं स्थित है। वैसे कहीं कहीं पर यह भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि लूहरी परियोजना जो है वो नीरथ के समीप कहीं पर स्थित है। अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ से कितनी बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाएगा, तो यहाँ पर सालाना जो है वो 7558.20 मिलियन यूनिट बिजली का जो है वो सालाना उत्पादन किया जाएगा। ये चीज़ भी याद रखने के लिए है। अभी आपको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न कुछ इस तरह से है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो आप इस पॉइंट इस संख्या को भी याद रखिएगा। अब अगले पैराग्राफ में देखते हैं कि इस परियोजना की जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो कौन सी है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो है वो है इसकी एस जे वी एन एल मतलब सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इसे एग्जीक्यूट दोस्त के द्वारा किया जाएगा, ये जो है एक मॉडल के ऊपर बेस है। ये मॉडल कौन सा है, तो ये बूम मॉडल के ऊपर बेस है। अब ये बूम मॉडल क्या है, तो बूम मॉडल का पूरा नाम है बी स्टैंड फॉर बिल्ट, बिल्ट यानी के बनाना, तो मतलब इसको जो है वो सतलुज जल विद्युत निगम बनाएगा। और ओ स्टैंड फॉर ओन, ओन मतलब कि इसको जो है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन ही रखा जाएगा। ऑपरेट नेक्स्ट ओ जो है वो ऑपरेट के लिए स्टैंड करता है, तो ऑपरेट इसको जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, SJVNL के द्वारा ही इसको ऑपरेट किया जाएगा। और एम स्टैंड फॉर मेंटेन, तो इसको मेंटेन किसके द्वारा किया जाएगा, तो मेंटेन भी इसको SJVNL के द्वारा ही मेंटेन किया जाएगा। तो ये मॉडल है, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा बूम मॉडल एक इम्पॉर्टेंट मॉडल है, इसके ऊपर ये बेस्ड है। अगर अगली बात देखें इसमें कि कब तक ये चालू की कर दी जाएगी, कब तक इसको कमीशन किया कर दिया जाएगा, तो 62 महीनों के भीतर 62 मंथ्स के अंदर इसको कमीशन कर दिया जाएगा। और भी बात है यहाँ पर, देखो इस परियोजना से जितने भी प्रभावित लोग हैं, जितने भी प्रभावित परिवार हैं, उन सभी परिवारों को जो है वो 10 वर्षों तक जो है वो प्रति माह 100 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। मतलब कोई भी परिवार इस परियोजना के बनने से इफेक्टेड है तो उस परिवार को जो है वो 100 यूनिट बिजली जो है वो प्रति माह फ्री दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई भी पैसा उनसे नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नेक्स्ट में कहा गया है कि ये जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है SJVN ने जो है वो अक्षय ऊर्जा पावर ट्रांसमिशन थर्मल पावर उत्पादन के क्षेत्र में कदम रख लिया है। और इन्होंने क्या टारगेट किया है, इन्होंने टारगेट किया है कि 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट, 2040 तक 25000 मेगावाट के सभी स्रोतों से कुल स्थापित क्षमता के आंतरिक विकास लक्ष्य की परिकल्पना की। मतलब ये टारगेट इनके द्वारा एक रखा गया है, 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट और 2040 तक 25000 मेगावाट। ये सब आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपने एक नाम बार बार सुना, वो कौन सा था, इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी वो कौन सी थी, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना जो थी वो 1988 में की गई थी, 1988 में इसकी स्थापना की गई, 24 मई 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्थापना आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा कि ये जो लूहरी परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर बन रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, सतलुज नदी के ऊपर ये बन रही है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि इसको किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो ये बूम मॉडल के ऊपर बेस्ड है।
या ये भी आप याद रखेगा। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस परियोजना से जो प्रभावित परिवार हैं उन परिवारों को जो है वो प्रति माह कितनी बिजली दी जाएगी, तो उन परिवारों को जो है वो 100 यूनिट बिजली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। और इस परियोजना को कितने महीनों के भीतर जो है वो कमीशन करने का टारगेट रखा गया है, तो इस परियोजना को 62 मंथ के भीतर जो है वो एग्जीक्यूट कमीशन करने का जो है वो टारगेट रखा गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा इस लुहरी परियोजना के बारे में। लुहरी चरण एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना इम्पोर्टेंट परियोजना है, तो इस परियोजना के बारे में हमने डिस्कस किया। अगर अब आगे जाकर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाता है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।